प्रोजेक्ट एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित इब्राहिमपुरा गांव में पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान जहीर हसन है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1600 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, 500 मीटर खडंजे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 82 शौचालयों तथा स्कूल की बाउंड्री का भी निर्माण कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 22 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में तालाब का सौंदर्यकरण, पंचायती भवन, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र ग्राम इब्राहिमपुरा ब्लॉक सरसावा जिला सारू। हमने अपने गांव में काफी काम कराए हैं। स्कूल में भी बाउंड्री कराई है, शौचालय बनवाए हैं, समर सेल कराया है और लगभग BSC शौचालय बनवाए हैं और तालाब की निशानदाही कराई है। और यहाँ पे बड़ी समस्या जो है वो है राशन कार्डों की, बिजली के तारों की, पंचायत गढ़नी है और तालाब की कोई बाउंड्री नहीं है। हैंडपम्प की भी ज़रूरत है यहाँ पे और लगभग 30 खम्भों की ज़रूरत है। मैं चौधरी कैसर नदीम जही रसन का भाई प्रधान जी का मेन समस्या है राशन कार्डों की, जिसमें लोग वाग बहुत परेशानी है, लोग रोजाना हमारे यहाँ खड़े रहे हैं। अच्छा काम की बात, काम हमने स्कूल में सबसे पहले 7-6 लाख रुपए का काम करा दिया और RCC सड़कें 23 लाख रुपए का काम गांव में करा दिया। एक सड़क हमने जिला पंचायत के योजना से कराई और यहाँ असल में एक ज़रूरत है बारात घर की। बारात घर के लिए हमारे मजबूरी, हम कहीं से पैसा उपलब्ध भी करावें तो हमारे पास यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है।